नमस्कार, मैं हूं गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आई रुक करते हैं खबरों की तरफ। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान वह पूर्व विधायक अबरार अहमद के परिजनों से मिले और शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं सुल्तानपुर में शनिवार को डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पीट पीट कर हत्या किए जाने पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर की निर्मम हत्या हुई है, लेकिन अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस बस आश्वासन दे रही है। अखिलेश जी, सबसे पहले सवाल तो ये है कि अखिलेश जी प्रदेश के कानून व्यवस्था आज की स्थिति में और आपकी स्थिति में क्या अंतर देखते हैं आज के दिन? देखिए, सबसे पहले अफसोस है हमें कि हमारी पार्टी के एक बहुत ईमानदार निष्ठावान विधायक और नेता को हमने खोया है। मैं उस समय नहीं आ पाया, आज उनके परिवार से मिलकर के उनके बीच कुछ समय गुजार करके दुख बांटने में आया हूँ। जहाँ तक विधायक जी का सवाल है, वो जहाँ ईमानदार थे वही उनका जो स्वभाव था फक्कर स्वभाव था, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी, लेकिन वो जनता की सेवा हमेशा करते रहे, जनता के बीच हमेशा बने रहे। और उन परिस्थितियों में जब हम चुनाव नहीं लड़ा पाए पार्टी के लोग, उसके बावजूद भी वो ईमानदारी से वो हमारे दल के साथ पार्टी के साथ खड़े हुए। जहाँ तक चल रही है, जब सुल्तानपुर में हम आए हैं तो एक डॉक्टर की हत्या हो गई और इस डॉक्टर की हत्या हुई है और किस दर्दनाक तरीके से की गई है, सुनने में आ रहा है उसके शरीर को किसी चीज से छेद किए गए हैं, कोई कहता है कि कोई इस्तेमाल की गई चीजें, मार मार के मार दिया और ई रिक्शे में बैठा करके घर भेज दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित कर दिया अपराधियों पे, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी। बुलडोजर की जो कार्रवाई बाबा कहते हैं, देखिए बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बीजेपी के ही लोग हैं और जहाँ भी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जमीनों के विवाद हैं, इस तरह के जमीन या हत्या में बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं। अध्यक्ष जी, क्या आज पीड़ित हत्या हुई, क्या आप वहाँ से पीड़ित परिवार से मिले? मैं परिवार से बात की है, पुलिस कप्तान से बात हुई है, अधिकारियों के माध्यम से संदेश भिजवाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित हो गया अपराधियों पर, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई कड़ी होगी। आप सोचिए इस तरह के दर्दनाक घटना हो जाए, हमारी पार्टी के पूरे परिवार के साथ है, परिवार से मेरी अभी बात हुई है, भाई से आज सही जानकारी आए कि अगर डॉक्टर की निगलिजेंस की वजह से किसी की जान गई है उसके लिए कानून है और हमें लगता है कि डॉक्टर्स को भी इतना संयम और इतना अनुभव होना चाहिए कि उनकी गलत दवा से किसी की जान न जाए। नहीं, वो 80 में क्यों लड़ेंगे, पूरे देश में निर्णय कितनी सीटों पे लड़ेंगे, वो 80 में नहीं लड़ेंगे, देश में न जाने कितनी सीटों पे लड़ेंगे। भाई उनके बारे में हमें नहीं कहना, ठीक है, उनके बारे में आप सवाल पूछ करके झगड़ा लगाना चाहते हो। इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और जिन्हें फैसला लेना है वो बैठते हैं, उसके बाद में समझता हूँ ये बात कहीं से आने नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी में पिछली बार आपका महागठबंधन था, क्या आपकी प्रयास ऐसा किया जाएगा मायावती के साथ लाया जाएगा? जो बीजेपी के साथ है
जो बीजेपी के साथ है उन्हें नहीं लाया जाएगा, जो बीजेपी के साथ है उनसे दूरी बनाई जाएगी। राजपाल जी से कोई वार्ता हो रही है? राजपाल जी आपके साथ में फिर आगे कोई वार्ता हो रही है? वो शाजा से वार्ता हो रही है, कोई बात नहीं, अब उसकी बात खत्म कर दो। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।